नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप अटार और आप देख रहे हैं केपीजी टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं फेसबुक से, तो आपको मैं बता दूं, फेसबुक ने अभी हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है स्टडी फ्रॉम फेसबुक। अभी हाल ही में फेसबुक ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आप इसे प्ले स्टोर से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के बारे में बता दूँ, ये एप्लीकेशन आपके डाटा को, मतलब आपका डाटा इकट्ठा करेगी, आपके फ़ोन का डाटा, और उसे कंपनियों को बेच देंगे। ठीक है, अगर आप अपने पर्सनल डाटा को लेकर चिंतित है तो आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। इससे पहले आपको बता दूं मैं, फेसबुक ने इससे पहले दो एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिनके चलते, मतलब यूजर के आलोचना के चलते, उन एप्लीकेशन को फेसबुक ने बंद कर दिया था। उन एप्लीकेशन के माध्यम से फेसबुक जो अपने यूजर को पैसे दे रही थी, जो करीब 1400 रुपये के करीब थे, मगर इस एप्लीकेशन में अब भी फेसबुक ने ये नहीं बताया है कि वो अभी कितना पैसा देने वाला है अपने यूजर को। ठीक है, तो अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे, तो मैंने अभी यूज़ किया था इस एप्लीकेशन को, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी है, उसके बाद एक कोड आएगा और वो कोड अभी आ नहीं रहा था। मैंने यूज़ किया उसे अपने फ़ोन में, मेरे पास दो तीन फ़ोन में उन्हें यूज़ किया, तो अभी वो वर्क नहीं कर रहा है। मगर लेकिन मुझे लगता है वो नए अपडेट के बाद वो वर्क करना शुरू कर दे। एक बात मैं आपको और बता दूँ, फेसबुक 2017 में फेसबुक डाटा चोरी के केस में, मतलब पकड़ा गया और बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ, और 2018 में तो इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, जो यूजर का डाटा जो चुरा के जो, मतलब कंपनियों को बेचा, इसमें वो पकड़ा भी गया था। ठीक है, इसके मतलब अभी जितनी भी कंट्रियाँ हैं, मतलब हर कंट्री की जो सरकार है वो चिंतित है, मगर फिर भी ये फेसबुक ऐसी एप्लीकेशन को लेकर आता है जिससे, मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि आपका डाटा स्टडी करेगा और आपको कुछ पैसे भी देगा। अगर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, अभी इस एप्लीकेशन से बताया गया है कि आप 1400 रुपये तक कमा सकते हैं, मगर फेसबुक के द्वारा अभी कहीं पे ये बात नहीं बताई गई है कि आपको 1400 रुपये देगा या इससे ज़्यादा या कम, अभी कहीं पे ये नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें फेसबुक ने ये बताया है कि वो आपकी ये जानकारी, कौन कौन सी जानकारी आपकी इकट्ठा करेगा। सबसे पहले फेसबुक ने इसमें बताया है कि वो आपकी ये चीज़ चेक करेगा कि आप किस एप्लीकेशन पे ज़्यादा समय बिताते हैं आप, मतलब ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं या फेसबुक देखते हैं या व्हाट्सअप देखते हैं, इंस्टाग्राम, मतलब कौन कौन सी एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज करते हैं, इस चीज़ को चेक करेगा। इसके अलावा आपकी ये चीज़ चेक करी जाएगा कि अमेजोन से आप क्या खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से क्या खरीदते हैं, कौन सी चीज़ आप, मतलब खरीदने में इंटरेस्ट आपका है, कौन सी में नहीं है। ठीक है, आपका मतलब पूरा डाटा, मतलब पूरा कंट्रोल फेसबुक आपका ले लेगा, इसमें हर एक्सेस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन का यूज ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें फेसबुक ने ये तो बता दिया है कि वो आपके पासवर्ड, अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो इकट्ठा नहीं करेंगे, मगर ले मुझे लगता है वो फेसबुक डाटा चुरा रहा है, तो यार ये थोड़ी बात नहीं है, मतलब अपने डाटा को लेकर आपको सीरियस होना चाहिए। मैं बता दूं आपको, इस एप्लीकेशन को बिल्कुल भी यूज आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी आप इसे प्ले स्टोर से, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई सेकेंड मोबाइल है जिसमें, मतलब ऐसा कोई डाटा मेरा है नहीं, उसमें आप इसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, मगर जो आपका पर्सनल मोबाइल है उसमें इस एप्लीकेशन का यूज़ ना करें तो ठीक रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।